तो इस वीडियो में हम लोग केवल सिंपल सा हेलो वर्ड को प्रिंट करने वाले हैं, एंड इससे आपका पता चल जाएगा क्या कि गो का बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है, मतलब क्या बेसिक सा आपको कोड, कितना बेसिक सा कोड चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप गो वर्जन रन करो। ठीक है, इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा आपको में GCC इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तब आपको जाकर आप क्रोम पे जाकर सर्च करो गो GCC इंस्टॉल, तो आपको उसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एंड देन आपको गो वर्जन से चेक कर लेना है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लो, बड़ा सिंपल है। जस्ट सर्च करो एंड देन इंस्टॉल्ड एंड देन नेक्स्ट 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 करते जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक फोल्डर बना लो एंड उस फोल्डर में एक कमांड रन करो गो मॉड इनिट एंड फोल्डर नेम CH02HW, ये हमारा फोल्डर नेम है। उससे क्या होगा, हमारा गो डॉट मोड का एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको मैन्युअली आपको क्रिएट करना है क्या, मेन डॉट गो को। यहाँ पर मैंने गो डॉट मेन लिख दिया, इसको चेंज करते हैं मेन डॉट गो। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना सिंपल सा कोड लिखेंगे। यहाँ पर फिर से वही बात कि आपके पास गो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसको GCC बोलते हैं, तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड देन आपको चेक करने के लिए आपको कमांड रन करना पड़ेगा गो वर्जन। क्लियर है, अब चलिए अब हम सिंपल सा कोड लिखेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको पैकेज का नेम देना पड़ेगा, जो कि हमारा पैकेज मेन हो गया। एंड उसके बाद सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं, ये मेन फंक्शन है। एंड ए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर देखो हम लोगों ने FMT लिखा है, तो FMT हमें चाहिए, तो इसको हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कोड हो गया जो कि आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए इतना सा आपको कोड चाहिए इन गो लैंग में। क्लियर है, तो अब चलिए हम लोग समझते हैं कि मैंने पैकेज मेन या फिर इंपोर्ट क्या है या फिर FMT प्रिंट LN क्या कर रहा है, तो सबको देखते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, नेम ऑफ द पैकेज हो गया जो कि पैकेज मेन है। ठीक है, दूसरी बात हमारा क्या है, ये FMT क्या हो गया, पैकेज है जो आपको गो में मिलता है, समझ गए। तो यहाँ पर FMT में हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग पैकेज हो गया, FMT फॉर्मेटिंग पैकेज हो गया। इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमारे पास ये जो फंक्शन है प्रिंट LN, ये हमको कहाँ मिलता है, FMT में मिलता है। क्लियर है, देन हम लोगों ने मेन एंट्री पॉइंट है हमारा कोड का। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमको मेन बाय डिफ़ॉल्ट गो में मिलता है। क्लियर है, एंड ये हमारा ऑलरेडी गो में है। एंड उसको क्या है, हमारा मेन फंक्शन एंट्री पॉइंट है, उसको हम लोगों ने लिखा। एंड उसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रहा हूँ, मैं अपना कोड को प्रिंट कर रहा हूँ। सारा आपका कोड क्या आना चाहिए, मेन फाइल के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ और फंक्शंस हैं जो रह सकते हैं, मतलब शुरू होने से पहले ही कुछ का यूज आता है, जैसे इनिट हो गया, बट उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए आपको क्या समझना, सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर आएगा, फिर उसको लिखकर हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट कर ले रहा हूँ। अब इसको रन भी तो करना है, तो रन करने के लिए हमारे पास क्या कमांड है, टू रन द कोड वी हैव कमांड गो रन मेन डॉट गो। मेन डॉट गो क्या हो गया, हमारा फाइल नेम हो गया। सो गो रन मेन डॉट गो, सो लेट्स डू, वी आर गोइंग टू रन द कोड, सो लेट्स रन। आप एक नज़र देख लो, कुछ नहीं है, सिंपल 5 लाइन का कोड है एंड उसका बाकी सब तो कमेंट है। तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा रन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसे एक बार फिर से देख लो, मैं अगर बोलूँ तो क्या था, FMT हमारा क्या हो गया, फॉर्मेटिंग पैकेज हो गया, उसमें हमारे प्रिंट LN मिलते हैं जिससे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। रन करना है तो आपको क्या करना होगा, गो रन मेन डॉट गो। ठीक है, एंड सबसे पहले आप इनिट करना मत भूलना।